दोस्तों ये है हाई फाई मैन TWS 600, एक ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन। ये जो ईयरफोन है खास किस्म का ईयरफोन है और इसका जो प्राइसिंग है वो भी खास किस्म का है। इसका प्राइसिंग है 12,999 रुपये। चलिए देखते हैं कि ये जो ईयरफोन है इसमें ऐसी क्या खास बात है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोगी और ये है हाई फाई मैन TWS 600। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही महंगा है। इसकी कीमत है 12,999 रुपये। जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स पर दिया हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है। बॉक्स के अंदर आपको एक कार्ड मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्ड पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें टोपोलॉजिकल डायफ्राम एलिमेंट का उपयोग किया गया है, जिसे सेट होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। मतलब कि आपको तकरीबन 10 से 20 घंटे तक इस प्रोडक्ट का उपयोग करना है। उसके बाद में आप जो साउंड क्वालिटी है उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मतलब कि जो साउंड क्वालिटी है 10 से 20 घंटे के बाद आपको और भी बेहतर सुनाई देगा। और साथ में ये थैंक यू कार्ड भी दिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है। बॉक्स के अंदर ये देखिए चार्जिंग केस दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया किस्म की है, प्रीमियम किस्म की है। और क्यों ना हो, इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से जो क्वालिटी है ऑसम किस्म की है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और ये देखिए, आपको दो ईयरबड्स मिलते हैं। ये ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स हैं। और चेक कर लेते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में कुछ है या नहीं। जी हाँ, ये देखिए, ये है यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स मिलते हैं। और ये USB to USB Type-C डेटा केबल भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये है हाई फाई मैन TWS 600। ये है चार्जिंग केस और ये है ईयरबड्स। ये एक ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है, मतलब कि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और आपको जो एक प्राइमरी ईयरबड है उसे आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करना है स्टीरियो एक्सपीरियंस के लिए। वैसे ये TWS फीचर को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल ईयरबड्स को भी, मान लीजिए ये जो ईयरबड है इसे आप एक स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो ईयरबड है इसे आप दूसरे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ईयरबड्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, यूनिक किस्म का डिज़ाइन दिया हुआ है। इतना स्लिम तो नहीं है लेकिन काफ़ी हल्का है। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। जो ईयर प्लग है उसे एक एंगल पर टिल्ट किया हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स है, R और L की मार्किंग भी दी हुई है। तो जब कभी आपको इन ईयरबड्स को चार्ज करना है तो आप इन्हें इस प्रकार से चार्जिंग केस में रख सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे रख देता हूँ। ये देखिए, इस पर जो LED है वो लाइट अप हो गई है, मतलब कि ये जो चार्जिंग केस है इन ईयरबड्स को इसने चार्ज करना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से आप इसे पैक कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए भी काम आ जाता है। और ये जो चार्जिंग केस है ईयरबड्स को चार्ज भी करता है। यहाँ पे देखिए USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसका उपयोग करके ये जो स्टोरेज केस है जिसमें बिल्ट इन बैटरी है तकरीबन 800 mAh की, उसे आप चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बैटरी इंडिकेटर भी है जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि ये जो चार्जिंग केस है इसमें कितना बैटरी बचा हुआ है। तो चलिए अब मैं इसकी क्वालिटी चेक करता हूँ। जैसे ही मैंने इन ईयरबड्स को बाहर निकाला ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गए हैं। ये देखिए, ईयरबड्स को मैंने पहन लिया है, अच्छी तरीके से फिट हो गए हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, थोड़े से अजीब किस्म के लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इन ईयरबड्स की बैटरी लाइफ के बारे में बताता हूँ। ये जो इंडिविजुअल ईयरबड्स है ये आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज दे सकते हैं एक फुल चार्ज पर। और ये जो चार्जिंग केस है ये इन ईयरबड्स को तकरीबन 6 बार फुल चार्ज कर पाएगा। इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो बेस बढ़िया है, जैसे इंडियन यूजर्स को पसंद आता है। वोकल्स भी क्लियर है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो मैं इसे 4.6/5 की रेटिंग दूंगा। उससे आप समझ गए होंगे कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। और ये जो ईयरफोन है इसे मैंने पबजी गेम के साथ में टेस्ट किया हुआ है, मुझे कुछ लैग मिल रहा है। वैसे जो TWS 600 ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स जो है इनकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा है, 12,999 रुपये। आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।